अब तक दिल खाली खाली अब तक दिल में ना कोई था अब तक दिल खाली खाली अब तक हो मुझे मेरा चांद मिला मेरा चांद मुझे मेरा चांद मिला सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एप्रिसिएशन। आपने गाने को सुना, देखा और उस पर रिसर्च किया आपने। हालांकि मुझे भी नहीं पता था कि इतने व्यूज़, कमेंट्स, लाइक्स आएंगे और आपने अभी से मुझे पता चल रहा है, तो थैंक्स वंस अगेन। एक्चुअली ऐसा है ना कि मैं कॉन्सर्ट्स के सिलसिले से ट्रैवल काफ़ी करता हूँ, तो मेरा एक कॉन्सर्ट था ऊटी में। और जब मैं ऊटी जा रहा था तो जाहिर सी बात है ऊटी जो है वो पहाड़ों के बीच में है, वादियाँ खूबसूरत है और एनवायरनमेंट अपने आप में काबिले तारीफ है। ठंड भी थी काफ़ी और हल्की सी बारिश की बूंदें वगैरह भी पड़ रही थी, तो गाने की जो इंस्पिरेशन है वो तो एटमॉस्फेयर से मिली, समझ रहे हैं आप। जैसे आप पहाड़ देखते हैं, बारिश देखते हैं, ठंडी हवा है, पवन चल रहा है, तो पहाड़ी म्यूज़िक इसमें आपको कहीं ना कहीं गाने में महसूस होगा। अभी पहाड़ी म्यूज़िक ऐसा है ना कि उसका एक अपना एक अपनी खुशबू है और इस गाने की जो बैकबोन है वो है फोक। फोक जो है वो सदाबहार है, फोक एलिमेंट जो है वो सदाबहार है। आप फोक एलिमेंट आप किसी भी गाने में यूज़ करेंगे ना तो वो गाना सुपर हिट होता है। गाना मतलब पब्लिक को बहुत अच्छा लगता है, पब्लिक अपील करती है गाने से। और तो वहाँ से मुझे ये आइडिया मिला कि यार क्यों ना एक गाना को ऐसा बनाया जाए कि जिसमें फोक एलिमेंट भी हो, समझ रहे, और हमारा जो जैसे ढोलक तबला है गाने में, समझ रहे हो, बांसुरी है, फ्लूट है। अभी आपने अगर ध्यान दिया होगा तो गाना जो शुरू होता है वो फ्लूट से शुरू होता है, तो जाहिर सी बात है जैसे मैं आपको पहाड़ों का एटमॉस्फेयर डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो पहाड़ों में जैसे वो फ्लूट बज रही है, चिड़िया चहक रही है, समझ रहे हैं आप, तो वो फील देने की कोशिश की है। उसकी खास बीट भी होती है, डंड डम गचक घम झम गच डं डं डम गचक घम झम डंड डम गचक डम डम, इस हिसाब से उसका एक मूड रहता है, एक फ्लो रहता है गाने का। तो मुझे जब मैं गाना कंपोज करता हूँ तो उससे ऐसा होता है कि एक आइडिया होता है, एक धुन का, एक ताल का। तो जैसे अभी ताल चल रही है, जैसे ताल चल रही है, तो अब ये ताल यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गई है। अभी इसकी बेस पे मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, जो एनवायरनमेंट है मेरे आसपास जहाँ से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वो मुझे इंस्पायर करता है धुन के लिए। सो डा 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 da 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 ri ra 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 da ra ri ra 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 da ra ra ri ra 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 ra। तो ये एक ग्राफ तैयार हुआ है, फिर उसके बाद मैंने इसको क्या रिकॉर्ड कर लिया था मोबाइल में और फिर यही धुन मैंने अपने दोस्त को फॉरवर्ड की और मैंने कहा कि यार इस पे अगर आप कुछ मुझे लिख कर देंगे
जिन्होंने गाना लिखा है उनका नाम है संजय धूपा मिश्रा, बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं, बहुत अच्छा लिरिक्स लिखते हैं, और उन्होंने मेरी दो तीन फिल्मों में उन्होंने गाने बहुत अच्छे लिखे हैं। तो जाहिर सी बात है ट्यूनिंग बॉन्डिंग अच्छा है, तो कभी भी ऐसा अगर जब धुन वगैरह बनती तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने उनको धुन दे दी थी और वो धुन दे के फिर हम अपने अपने कामों में बिजी हो गए। एक दिन मुझे उनका कॉल आया, उन्होंने कहा कि शादाब भाई मैंने इसमें कुछ वर्डिंग्स लिखे हैं, कुछ लिरिक्स लिखे हुए, तो आप देखिए अगर आपकी धुन के साथ जेल होता तो आपको कैसा लगता है। मैंने बोला आप भेजिए। तो उन्होंने जब भेजा तो उसका मुखड़ा कुछ ऐसा था कि दिल में ना कोई था अब तक, दिल खाली खाली अब तक, हो मुझे मेरा चांद मिला, मेरा चांद, मुझे मेरा चांद मिला। तो मैंने उसको फिट करने की कोशिश की धुन में, और मालिक के करम से वो बराबर गाना बैठा उसमें, और जब वो मुखड़ा बना तो उस तरीके से ऐसा हो गया कि दिल में ना कोई था अब तक, दिल खाली खाली अब तक, दिल में ना कोई था अब तक, दिल खाली खाली अब तक, हो मुझे मेरा चांद मिला, मेरा चांद, मुझे मेरा चांद मिला, हो मुझे मेरा चांद मिला, मेरा चांद, मुझे मेरा चांद मिला। तो गाना यहाँ तक बन गया था। अब इसकी मुझे एक हुक लाइन चाहिए थी, तो हुक लाइन के लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ा कि यार मुखड़ा तो बन गया लेकिन मुझे कुछ ऐसा कैची टोन चाहिए जो गाने को कंप्लीट करे और गाना रजिस्टर्ड हो जाए दिमाग में। तो कोई भी एक पर्टिकुलर साउंड है, कोई भी चीज़ होती है जो हम ज़्यादा सुनते हैं तो दिमाग में क्या होता है ना, आपके एक लूप बना लेता है, एक साइकोलॉजिकल थिंग है। तो मैंने कहा कि भाई एक पहाड़ी फोक है, उसमें कुछ आपने देखा होगा कि अक्सर पहाड़ी जो आदिवासी म्यूज़िक होता है, समझ रहे हो, और जो बंजारों का म्यूज़िक होता है, आदिवासियों का म्यूज़िक होता है, तो उसमें एक ख़ास पुकार होती है, हो 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 हो, वो फायर वगैरह लाइट करते हैं और वो आदिवासी सब एक दूसरे में मतलब ऐसा कंधे पे हाथ रख के ऐसा डांस करते हैं, यू नो, तो वो जो है ना हो, इस गाने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो कहते हैं ना एक नसीब से दो नसीब मिलते हैं, दो नसीब से तीन मिलते हैं, तो इसका सारा क्रेडिट है जो मेरी जो टीम बैठी है यहाँ इनको जाता है, इन सब का नसीब मिला है तब जाके ये एक चीज़ खूबसूरत बनी है और लोगों के दिलों को छू रही है, समझ रहे हैं। तो मेहनत तो पहले भी की थी, अभी भी कर रहे हैं, अभी ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि अभी जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई है, लोग चाहने वाले बढ़ रहे हैं, एप्रिसिएशन ज़्यादा मिल रहा है, तो क्या होता है कि एक जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन इसका सारा क्रेडिट श्रेय जो है मेरी टीम को देता हूँ, इन्हीं की एफर्ट से, मेहनत से इस गाने को खूबसूरत करने की कोशिश रही है हमारी। जी पहले तो मैं शादाब भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये गाना डायरेक्ट करने का मौका दिया मुझे। वैसे तो हम लोग सारे एक टीम है लेकिन उन्होंने एक मौका दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और शादाब भाई ने जैसे बताया कि सॉन्ग बनाने के लिए उनकी कितनी, हम लोग सिर्फ सुनते हैं सॉन्ग बना है कि कोई सॉन्ग म्यूज़िक कंपोज़र ने कंपोज किया है, सॉन्ग सुनने में आता है, लेकिन उन्होंने उसके बिहाइंड स्टोरी क्या है, उसके पीछे एक सॉन्ग बनाने के लिए उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, और एक बारीकी से उन्होंने बताया उस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें जब उन्होंने मेरे को बताई, फिर बाद में उन्होंने सॉन्ग डायरेक्ट किया, तो वो हूबहू जो पूरा पहाड़ी वगैरह वो जो फील था वो टोटली वो मिलता जा रहा था उससे। और वो जब सॉन्ग फाइनली जब रेडी हुआ तो हम लोगों को सुनने में इतना मज़ा आया, तो वो सडनली वो सब स्टोरी बनती गई हमको आगे करना क्या है। और फिर उसके बाद हम लोग ने लोकेशन वगैरह फाइनल किया, और हम लोग ने एक दो बार जो है हम लोग ने रेकी किया लोकेशन के लिए। रेकी के बाद जो है हम लोग अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे जब शूट था, अर्ली मॉर्निंग गए थे हम लोग 5 बजे, जब काफ़ी अंधेरा था करीब, हम लोग वहाँ से एक डेढ़ घंटा हम लोग उधर अंधेरे में थे। तो बाकी क्रू मेंबर बोल रहे थे कि सर सच में यहाँ पे कुछ लोकेशन है क्या, काफ़ी अंधेरा है, कुछ खंडर लग रहा है यहाँ पे, पूरा ब्लैंक था एकदम। तो सडनली जैसे जैसे उजाला होने लगा तो सब लोगों को पिक्चर समझ में आई कि हाँ नहीं वाकई में हम लोग एक अच्छी लोकेशन पे आए हैं।
और वो लोकेशन का ही एक अलग ही माहौल था, वो शूट करते 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 ही है। हम लोग ने रिहर्सल फाइनल्स नहीं किए थे, हम लोग ने सोचा जो जैसा था हम लोग ने सब प्लान किया था कि सारे शादा भाई पे तो फुल कॉन्फिडेंट था, जो हमारी एक्ट्रेस थी आना सिंह उनका पिछला काम देखा हुआ था हम लोगों ने, तो और उनसे जब हम लोगों ने मीटिंग किया तो उनका भी कॉन्फिडेंट हम लोग को समझ में आया कि हम लोग जो है फर्स्ट डे शूट पे हम लोग जब गए तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई और रिजल्ट आपके सामने है। एक्शन। जैसे व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं हमारे, तो जिम्मेदारी तो वैसे ही बढ़ती जा रही है। और पिछले जो ये हमारा थर्ड सॉन्ग है, पिछले जो दो सॉन्ग थे उसमें भी लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया और जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा ये हम लोगों का वन डे का हम लोगों का व्यूज़ था करीब 24,000 क्रॉस कर चुके थे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमारे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है हमारे लिए कि हम लोगों ने 24,000 जो है वन डे में क्रॉस किया और अभी अच्छे व्यूअर्स जो है और कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, तो हम लोगों को और आगे और काम करने के लिए हम लोगों को उत्साह। सपनों से भर गई मेरी आँखें, बहक उठी मेरी रातें, मेरे ख्यालों में उसका ही चेहरा, होठों पे उसकी ही बातें, ख्वाब मिला ख्याल मिला, बड़ा प्यारा बेदाग मिला, ख्वाब मिला ख्याल मिला, बड़ा प्यारा बेदाग मिला। आगे बिल्कुल हम बड़े पैशनेटली और बड़ी शिद्दत से मेहनत से आगे की जो प्रोजेक्ट्स हैं गाने हैं वो हम लोगों ने प्लान किए हैं, मैंने और आरिफ भाई ने, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि सबसे पहले तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इस गाने के जो प्रोड्यूसर है इलियास शेख, ये प्रोड्यूसर बाद में दोस्त पहले हैं, तो इनको कुछ गाने अच्छे लगे हैं हमारे और इन्होंने कहा है कि भाई मैं आप लोगों को साथ देता हूँ, आप लोग कोशिश कीजिए मेहनत कीजिए, सब मिलजुल कर अगर अच्छा काम करें अच्छा रिजल्ट दे पाए तो सभी आगे बढ़ेंगे। कुछ पब्लिक के लिए आगे जबरदस्त धमाका, बिल्कुल एक्चुअली हम लोग प्लान कर रहे हैं मिडल ऑफ मार्च, यस मिडल ऑफ मार्च में हमारा एक नेक्स्ट सॉन्ग और आ रहा है और वो अभी फिलहाल में उसकी गाने के जो इनसाइट्स हैं वो मैं अभी ओपन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जैसी शुरुआत होगी तो जाहिर सी बात है आपको पहले पता चलेगा। इससे पहले दो गाने जो हुए वो भी अच्छे खासे चले आपको भी पता है, और दूसरा शादाब भाई ये मेरे दोस्त भी है, आरिफ भाई है, नाजिम भाई, ये सब हमारी एक टीम है, हम लोग मतलब एकदम क्लोज फ्रेंड है। जब तीसरा गाना जब हम लोग इन लोगों ने जब प्रोजेक्ट किया ना, तो वो गाना देख सुनने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि नहीं यार इसके अंदर कुछ तो भी है, तो इसकी वजह से मैंने इनको बोला कि भाई चलो एक काम करते हैं, मैं भी इसमें जुड़ता हूँ और इसको शुरू करते हैं। जैसे ही मैंने देखा कि इतने सब मेरे टीम मेंबर्स जो भी है ये गाने के लिए बहुत ही कुछ अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक आईटी फील्ड से हूँ, मैं ये प्रोफेशनल लाइन से हूँ नहीं, पर फिर भी मैंने देखा कि ये गाना काफ़ी दिल को छू लेने वाला गाना है, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना ये टीम के साथ मैं भी जुड़ के इसमें कुछ और एडिशनल हम लोग कर सके ताकि व्यूवर्स को और अच्छा लगे इसमें। तो चैलेंजेस तो वैसे तो काफ़ी आए हम लोग को, जैसे कि हीरोइन का हमारा सिलेक्ट करना, तो आरिफ भाई हमारे जो डायरेक्टर साहब है उन्होंने हमको फ़ोटो बताए कि ये हम लोग ने फ़ोटोज़ हीरोइंस के जो भी है मंगाए हैं, तो इसमें से सिलेक्शन करना वो भी एक चैलेंज था, वो भी हम लोग ने टीम वर्क लेके किसको क्या सजेस्ट करना है कैसा लेना है, थोड़ा बहुत एक्टिंग वगैरह हम लोग ने उनकी देखी और उसमें हम लोग ने थोड़ा बहुत उनको देख के फाइनलाइज कर दिया। और उसके बाद जैसे ही हम लोग का जैसा ट्रैवलिंग पार्ट था वो तो कुछ डिसाइड नहीं था, सडनली हम लोग ने सोचा कि कौन सा लोकेशन लेना चाहिए जहाँ पे हम लोग को सीनरी वगैरह अच्छा मिले, व्यूवर्स को अच्छा लगे, तो वो हिसाब से हम लोग ने बस करते गए और नतीजा आपके सामने ही है और सॉन्ग भी बहुत ही काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है और उम्मीद करता हूँ कि ये गाना और चलता रहे। मुझे मेरा चांद मिला, मेरा चांद।
गिटारे से अभी कुछ 5-6 गाने और हमने निकाले हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। अब उसमें से कुछ एक आध हम उसको फाइनल करके आगे के लिए मार्च तक में हम एक और नया गाना आ जाएगा। अभी उसमें हम ज़्यादा नहीं बता सकते इसके हिसाब से, लेकिन कुछ गाने जो हमने निकाले हैं ना वो काफ़ी अच्छे हैं जिसके अंदर मुझे इंटरेस्ट है, तो जल्दी से जल्दी उस पर हम काम शुरू करेंगे। मैं अपनी पूरी टीम के साथ तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स कि आप लोगों ने हमारे गाने को सुना, सराहाया, दुआएं दी और इसको आगे बढ़ाने में आप लोग जो हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं और अच्छे अच्छे गाने इंटरटेनमेंट के साथ अपनी टीम के साथ बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष होगा। दिल में ना कोई था अब तक, दिल खाली खाली अब तक, दिल में ना कोई था अब तक, दिल खाली खाली अब तक। हो मुझे मेरा चांद मिला, मेरा चांद, मुझे मेरा चांद मिला, हो मुझे मेरा चांद मिला, मेरा चांद, मुझे मेरा चांद मिला। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू मिरर महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल, जो कि सिर्फ न्यूज़ चैनल नहीं है, ये अपने आप में एक कंप्लीट चैनल है जो कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा देता है, आर्टिस्ट म्यूजिशियंस को भी बढ़ावा देता है और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाने की जो एक इनिशिएटिव है वो मिरर महाराष्ट्र काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। तो मेरी तहे दिल से आपको बहुत बहुत दुआएँ हैं और मेरी पूरी टीम के साथ मैं, मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे वेल विशेज हैं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल मिरर महाराष्ट्र। मुझे मेरा चांद मिला, मेरा चांद, मुझे मेरा चांद मिला, हो मुझे मेरा चांद मिला, मेरा चांद।